हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BVN इंजीनियरिंग क्लासेस। आई एम योर SST टीचर। स्टूडेंट, आज हम थर्ड चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर था सरकार क्या है। उससे पहले टुडे डेट इज 10 June 2020, डे वेनसडे। तो लेट बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा पूरा सरकार के बारे में था। सरकार क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं और कितने प्रकार की सरकार होती है। तो सबसे पहले हम सरकार का मीनिंग जानेंगे और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो स्टूडेंट, दिस इज आंसर। किसी भी देश के ऊपर उस देश के संविधान के अनुसार उस देश पर शासन चलाने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, जो हमारा भारत देश का संविधान है और उसी के अनुसार हमारी जो शासन व्यवस्था है, सरकार बनती है और ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है। सरकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। स्टूडेंट, कई तरीके से प्रभावित करती है, जैसे कि हम देखेंगे। अभी फर्स्ट नंबर पे है हमारे लिए जन सुविधाएं, जो लोगों के लिए जो सुविधाएं, कौन सी सुविधाएं स्टूडेंट? सड़कें निर्माण करवाना, अस्पताल बनवाना, स्कूल खुलवाना, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सभी हमारी गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। नंबर दो, देश की सीमाओं की रक्षा। जिस तरह हमारे देश की जो दूसरे देश के साथ सीमा लगी हुई है, उनके बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही है वो उनके भारी आक्रमण से सुरक्षा करती है। तीसरा पॉइंट इज, देश में शांति बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों के लिए जान माल की रक्षा करना। स्टूडेंट, देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए देश में रह रहे लोगों को उनकी रक्षा करना, उनकी जान की और उनके सामान की। अगला पॉइंट स्टूडेंट, लोगों को न्याय उपलब्ध करवाती है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वह न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है और सरकार उसे न्याय दिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। एक देश दूसरे देश के साथ भी संबंध बना के रखता है ताकि आने वाली मुसीबत में उसे उनसे सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, प्राकृतिक आपदाएं। जितनी भी हमारी प्राकृतिक नेचुरल जो क्लाइमेट्स है और जो हमारी प्राकृतिक, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, सुनामी आना और लोगों को उस समय जो ज़रूरत होती है खाने की, पीने की, उनके रहने की जो व्यवस्था, ये सभी सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार लोगों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाती है। लास्ट पॉइंट इज, लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले जो नागरिक है उनका विकास किस तरह हो सके, और उनके लिए नियम बनाती है और उनको लागू करती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमारी सरकार अगर सबके लिए कानून ना बनाए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाएगी, तो उससे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए सभी के लिए बराबर कानून बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सभी लोगों को सुरक्षा की भावना का बोध कराने के लिए कि हम अपने देश के अंदर रहकर सुरक्षित है, हमें किसी भी भारी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने पड़ते हैं। यदि देश में समान कानून नहीं होंगे तो लोगों के अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, भावना बढ़ जाती है और समाज में अफरा तफरी फैल जाती है, अव्यवस्था फैल जाएगी और जो हमारा दलित, निम्न वर्ग है, शोषित और पिछड़ा वर्ग है, वह इस न्याय से वंचित रह जाएगा और जो पिछड़ा हुआ है वो और भी ज़्यादा पिछड़ा हो जाएगा। अतः इसीलिए सरकार ने एक समान कानून बनाकर सभी के जीवन को उसके नियमित कर दिया, यानी कि सभी को समान जीवन के लिए नियम बनाए। थर्ड क्वेश्चन इज, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? यानी कि किसी देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए?
इसका आंसर है एक लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण इस प्रकार से है जो इसमें बताए गए हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट इज लोकतंत्र में देश के जितने भी नागरिक है उनको अपनी पसंद का शासक चुनने की छूट होती है, क्योंकि लोकतंत्र में यह होता है कि जो लोग हैं वो मतदान करके मताधिकार के जो उन्हें छूट मिली उसके आधार पर अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं ताकि भविष्य में वो उनकी व्यवस्था को और उनके जीवन से जुड़े पहलुओं को वो देख सकें। सेकेंड पॉइंट इज लोकतंत्र में शासक और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का लोग विरोध भी कर सकते हैं। अगर सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून अगर देश के नागरिकों को पसंद नहीं आता है तो वो इसके विरोध भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज लोकतंत्र में लोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया स्टूडेंट वो होती है जो हम मतदान करते हैं, वोट करते हैं, उसके माध्यम से शासक को उसके पद से हटा भी सकते हैं, यानी कि सरकार अगर बनाते हैं तो वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होती है। सरकार को जनता के द्वारा के वेलफेयर के लिए उनके कल्याण के लिए जितने भी कानून नियम बनाए और उनका हिसाब किताब देना होता है। अगर जनता उसके प्रति अपना सही मतदान या सही निर्णय लेती है तो सरकार शासक सही संचालन करता है, अगर नहीं लेती है तो उसके विपरीत या विपक्ष में किसी भी प्रकार का मुद्दा खड़ा कर सकती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, यानी कि महिला को मताधिकार यानी कि महिला को वोट डालने का अधिकार है ये एक आंदोलन चला था, इसकी उपलब्धि क्या है और इससे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसका इसको कैसे बढ़ावा मिला है। आंसर इज जब लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था, यानी कि हमारे देश में जब ये हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ था तो आरंभ में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। एज़ यू नो हम इसको चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पहले गरीब को और शोषित वर्ग को और महिलाओं को वोट देने का अपना मतदान करने का अधिकार नहीं था। पूरे यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को मत अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया। स्टूडेंट ये हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों में भी महिलाओं को अपना अधिकार दिलाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए गए जिसे सफ्रेज आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सफ्रेज आंदोलन का मतलब है स्टूडेंट महिला के लिए मताधिकार, यानी कि महिलाओं को भी अपना मतदान करने की छूट मिलनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन ने और भी मजबूती पकड़ ली थी, यानी कि उनका पक्ष और भी मजबूत हो गया था और इसी दौरान महिलाओं की जो सामाजिक कार्यों में भागीदारी है वो अधिक बढ़ गई, क्योंकि हमारा जो देश रहा है जो हमारा समाज रहा है वो अधिकतर पुरुष प्रधान रहा है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोषणीय थी, इसीलिए इस विश्व युद्ध के दौरान उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की इसमें मांग की गई और इसे अधिकार को पाने हेतु उन्होंने अपने आप को ही लोहे की जंजीर में बांधकर प्रदर्शन किया, अपना रोष प्रकट किया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गई और इसी व्यवस्था को देखते हुए उन्हें अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कामयाबी मिली। और उन्हें क्या उपलब्धि मिली स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में ही मिल गया और दूसरा पॉइंट इंग्लैंड में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1928 में मिल गया और दूसरे देशों के साथ साथ हमारे देश में भी ये प्रथा शुरू हो गई। लास्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर हम इसको पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर वयस्क यानी कि जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों का लगता था कि अशिक्षित लोगों को यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है जो ज़्यादातर गरीब है जिनके पास संसाधनों का अभाव है उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या आपके विचार में ये सही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक भेदभाव का रूप है? चलो स्टूडेंट हम देखते हैं कि किस प्रकार का भेदभाव है। आंसर इज मैं गांधी जी के इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हर वयस्क व्यक्ति को चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे वो शिक्षित पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित अनपढ़ हो अमीर हो गरीब हो सभी को एक समान वोट डालने का अधिकार होना
चाहिए। हमारी जो भारत सरकार ने गांधी जी के इस विचार का सम्मान करते हुए देश में हर 18 वर्ष की आयु पार कर चुके सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को सार्वभौमिक, यानी कि सार्वभौमिक का मतलब है सभी को अपना वयस्क यानी कि अपना मत अधिकार प्रदान किया गया। और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वयस्क मताधिकार लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो वयस्क मताधिकार है लोकतंत्र में लोगों को यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है, वो उसमें भाग ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज, वयस्क मताधिकार भेदभाव और असमानता जैसी भावना को भी कम करता है। थर्ड पॉइंट इज, वयस्क मताधिकार लोगों के आत्मसम्मान की भावना को भी बढ़ाता है, इससे लोगों के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट इज, वयस्क मताधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मन मर्जी पर भी अंकुश लगाता है, यानी कि जो चुने हुए नेता होते हैं हमारे द्वारा, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, वो लोगों के वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे। लास्ट पॉइंट इज, वयस्क मताधिकार लोगों में राजनीतिक चेतना भी जागृत करता है, यानी कि जब हम वोट डालते हैं तो उससे संबंधित जितनी भी निर्णय कार्य हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। आज के लिए स्टूडेंट इतना, आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट कर कीजिए और साथ के साथ इसका रिवीजन भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम।